एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि वीडियो तो हमारी देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, पर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चाइना रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत और चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है आज, उसमें कुछ और ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। सरकारी तौर पे यह माना जा रहा है कि जो डी एस्केलेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 बार ये डी एस्केलेशन की बात सुन रखी है, पर चाइना कभी भी उस पर काम नहीं करता है। हमेशा ही हमारी तरफ से काम होता था और चाइना वहां पर धोखाधड़ी करता था। पर यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसको वेरीफाई भी किया गया है और तब जाके मीडिया में यह खबर निकलकर सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि जो चीन है वो, अगर बात करें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि गलवान वैली की बात करें, गोगरा पोस्ट की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, वहां से अपना तंबू खाड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और एक ठीक ठाक संख्या उनकी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। पर वहीं सरकारें इससे आश्वस्त नहीं है। आर्मी की नजर उनकी जो पीछे साइड में डिप्लॉयमेंट है, रियर साइड में जो डिप्लॉयमेंट है, जो कि हैवी आर्टिलरी के साथ डिप्लॉयमेंट है, उस पर नजर बनी हुई है। यहां पर और चीजों की बात करेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं एक स्क्रीनशॉट की जो आज ही निकलकर सामने आया और इस डी एस्केलेशन वाली खबर के बाद ही निकलकर सामने आया है। 15 जुलाई 1962 का यह स्क्रीनशॉट है। इसमें भी आज ही की तरह सेम घटना हुई। इसमें भी ये कहा गया है कि चीनियों के द्वारा गलवान वैली से ट्रूप विड्रॉल हुआ और बात की गई है हमारे लोगों के करेज की, इंडियन आर्मी के करेज की, और उसके बाद चीनियों के पीछे हटने की। वहीं आप तीसरी लाइन में देखेंगे कि यहां पर बात कही गई है न्यू दिल्ली की, उसके द्वारा जो वार्निंग दी गई चीन को उसकी बात की गई है और तब जाके चीन पीछे हट रहा है। और इस ये जो हेडलाइन बनी है, इसके कुछ 95 से 97 दिन बाद भारत और चाइना के बीच में अक्टूबर में युद्ध हो गया था। ये हमें किस चीज की सीख देता है? यह हमें दो चीज की सीख देता है। इतिहास से हमें सीखना चाहिए और इस जो विड्रॉल है या डी एस्केलेशन है, इसको ही अंतिम चरण नहीं मान लेना चाहिए। दूसरी बात, आज की जो मीडिया की चातुकारिता की बात हम लोग करते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उस समय भी होता था। उस समय की मीडिया भी कोई फ्री मीडिया नहीं होती थी, वो आज की मीडिया की ही तरह होती थी। यहां पर भी जिस तरह की इस स्क्रीनशॉट में हेडलाइन दिख रही है, वो आज के सिनारियों में भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार की अगर स्क्रीनशॉट आज के अखबार में भी आ जाए तो वो आज के सिनारियों में भी सही लगेगी। तो ये जो भ्रांतियां लोगों के बीच में है कि मीडिया अभी जाके गोदी मीडिया हुई है, चाटुकार मीडिया हुई है, अलग अलग प्रकार के नामों से उनको जाना जा रहा है, इन सभी का पक्ष हमेशा से ही रहा है। कुछ सरकार के पक्ष में रहती हैं और कुछ हमेशा ही सरकार के विरोध में रहती हैं। तो दो चीजें हमें यहां सीखने को मिलती है। यहां पे कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि चीन और भारत अब इसलिए डीएस्केलेशन कर रहे हैं क्योंकि गलवान जो रिवर है उसका जो बहाव है वो ज्यादा उग्र हो चुका है। हमने कई खबरों में यह जाना है कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर चीनियों का डिप्लॉयमेंट है वहां पे छोटे छोटे प्रकार के आइलैंड बन गए हैं। जिस गलवान वैली को, जिस गलवान रिवर को उन्होंने पाटा था और उस पाटे गई जगहों पे अपना डिप्लॉयमेंट किया था, वो एक दूसरे से कट गए हैं, जिससे कि उनको जो रसद सामग्री पहुंचाना है, सप्लाई लाइन बरकरार रखनी है, वो डिस्टर्ब हो रही है। गलवान नदी इसलिए ज्यादा उग्र हो चुकी है क्योंकि जो ग्लेशियर से बर्फ पिघल रही है उस माध्यम से यह रिवर बनती है, तो उसकी जो बहाव है वो तेज होता चला जा रहा है क्योंकि बर्फ पिघल रही है अभी के तापमान की वजह से। तो हो सकता है चीन इस चीज का भी मौका तलाश रहा हो कि उसको कैसे पीछे जाने का मौका मिले और उसका बदनामी भी ना हो और इस जो नेचुरल जो क्लाइमेट के कारण वहां पे प्रॉब्लम हो रही है उस कारण से भी वो पीछे हटा हुआ हो सकता है। पर इंतजार हमें अक्टूबर का रहेगा और इतिहास हमें यह बताता है कि वेरीफाई 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 व्हेन यू आर डीलिंग विद चाइना। तो जिस प्रकार की हम लोग बातें वीडियो में कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें हमारी सरकारों और हमारी सेना के अंदर ऑलरेडी हैं, इसलिए वो वेरीफाई कर रही हैं, हर चरण को वेरीफाई कर रही हैं। एक चरण अभी कंप्लीट हुआ है जो मैंने आपको बताया, 3 जगहों से कुछ
2 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटना है दोनों ही सेनाओं को और वहां पे बफर जोन क्रिएट करना है और उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है, जो बातचीत है वो स्टार्ट की जाएगी। यहाँ पे दो चीजें और निकलकर सामने आती है। सबसे पहली बात, हमारे NSA मिस्टर अजीत डोभाल जी ने कल उनके विदेश मंत्री से बात किया था और वो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए और उनके विदेश मंत्री स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे चाइना की तरफ से, जिनका वैंग यी नाम है। और कुछ लोगों का यह कहना है कि हमारी तरफ से एस जयशंकर क्यों नहीं थे, क्योंकि वो हमारे विदेश मंत्री हैं। एक्चुअल में दोनों ही तरफ के द्वारा एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डाला गया, भारत की तरफ से इनको डाला गया और चाइना की तरफ से हमेशा जब कभी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है तो उनका फॉरेन मिनिस्टर ही भेजा जाता है। यहाँ पर कोई ये बात नहीं है कि हमारे विदेश मंत्री को साइडलाइन किया गया है, बहुत से लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि साइडलाइन किया गया है, पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डालने वाली बात है। हो सकता है सरकार को डोभाल जी पे ज्यादा विश्वास हो और उनके द्वारा ये मैनेज कर लिया जाने वाला ये सोचा गया होगा सरकारों के द्वारा, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव की तरह सामने रखा गया है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे विदेश मंत्री जाए, कोई भी जा सकता है जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे। सो जो आज का डीएस्केलेशन देखने को मिल रहा है वो कल की मीटिंग के कारण ही देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ 2-3 मुद्दों पे बात की गई, उसमें ये कहा गया कि जो डीएस्केलेशन की बात करें इसमें थोड़ा सीरियसनेस आए और जल्द ही ये सारी चीजें स्टार्ट की जाए। तो इस सीरियसनेस के कारण ही चीन की तरफ से इस प्रकार की कार्रवाई दिख रही है। 2 घंटा कल यह बात हुई थी, उसके बाद जाके इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि भारत और चाइना, जो अगर बात करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की, तो वहां से भारत पीछे हट रहा है, यह भारत की टेरिटरी में ही आता है। जो वाई जंक्शन है वहां से चीन पीछे हट रहा है कुछ 1.5 किलोमीटर। बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत की जब ये जमीन है तो भारत क्यों पीछे हट रहा है। एक्चुअल में ये प्रोसेस है, ये एक दूसरे में ट्रस्ट लाने का प्रोसेस है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत हमेशा ही ये पीछे रहेगा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक भारत को अपने जो पेट्रोलिंग है वो करनी ही करनी है, पर जो हैवी जमावड़ा है, दोनों ही तरफ से जो हैवी ट्रूप्स का जमावड़ा है उसको हटाना है और जो बफर जोन पहले से निर्धारित किया गया है 3-4 किलोमीटर का जो बफर जोन रहता है, वहां से जो मेन डिप्लॉयमेंट है उसको हटाना है और एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्डिंग की बात की जा रही है। इसलिए भारत को भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटना पड़ रहा है। अभी जो चीनियों का मानना है वो ये चाहते हैं कि भारत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लगभग 3-4 किलोमीटर तक पीछे चला जाए, पर भारत इस पक्ष में नहीं है। भारत हमेशा से ही पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक गया है या उससे लगभग 200-250 मीटर ही पीछे रहा है। इसलिए जो ये भारत का पक्ष है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और यहीं पर भारत चीन को लाने का प्रयास कर रहा है। अभी देखना यह है कि कल जो सैटेलाइट इमेजेस निकल के सामने आती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सैटेलाइट इमेजेस पे काम करते हैं और कहीं ना कहीं फिर जुगाड़ करके ये इमेजेस ले आते हैं, ट्विटर पे लाते हैं, कई जगह मिलती हैं और न्यूज़ चैनल के पास भी मिलती है। तो उससे हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का जो डीएस्केलेशन है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड। इसके अलावा पेंगोंग सो लेक की बात की जाए, कई लोगों का सोचना है कि यहाँ पर भी जो डीएस्केलेशन है वो हो रहा है, हालांकि थोड़े बहुत टेंटमेंट इधर उधर करता हुआ दिखाई दिया गया है, ऐसी खबरें हैं, पर जो मेन डीएस्केलेशन है वो देखने को यहां पर नहीं मिल रहा है। और हमेशा से ही पेंगोंग सो लेक का फिंगर 4 ही सबसे ज्यादा कठिन पॉइंट बना हुआ है दोनों ही देशों के बीच में डीएस्केलेशन की मामले की बात करें तो। वहीं चीन पाकिस्तान को 4 हथियार ले जाने वाले ड्रोन्स बेच रहा है, उसकी डिलीवरी स्टार्ट करने वाला है। इससे पहले 48 GJ-2 ड्रोन्स की बात की गई थी जो कि चीन पाकिस्तान को बेचने वाला है। इसका निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाएगा, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर करेंगे इसका निर्माण। हालांकि यह विंग लुंग 2 का ही एक मिलिट्री वर्जन है और चीन के द्वारा ही इसको पूरी तरह से डेवलप किया गया है, पर पाकिस्तान को यह बेचा जा रहा है। उनमें से 4 जो ड्रोन है उसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है और इन ड्रोनों को इसलिए पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा है, यह कह के पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की रक्षा करने के लिए ये ड्रोन डिप्लॉय होंगे और ग्वादर पोर्ट की रक्षा करने के लिए ये ड्रोन डिप्लॉय होंगे। और सभी को पता है कि क्या सच्चाई है, चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाह रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। वहीं इस जो ड्रोन की डिलीवरी से भारत की भौंहें तनी हुई है और भारत जो अमेरिका से ड्रोन प्राप्त करना चाहता है प्रेडिएटर बी ड्रोन, जो कि आर्म ड्रोन होगा, हालांकि अभी नेवी के लिए ही बात हुई है और सी गार्डियन ड्रोन की बात हुई है, पर भारत यह चाहता है कि जो इंडियन आर्मी या एयरफोर्स के लिए भी
जो आम ड्रोन हैं वो प्राप्त किए जाएं। तो भारत अब अमेरिका की तरफ से फिर देखने लगा है, पर मुझे ये लगता है कि इन जो आम ड्रोन्स हैं उन पर खर्च करने के बजाय हमें एयर डिफेंस सिस्टम पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो समंदर की रक्षा करने के लिए तो हमें इस प्रकार के ड्रोन्स चाहिए, जो कि अनआर्म ड्रोन्स होंगे तो भी काम चलेगा, पर हाई इंड्योरेंस के होने चाहिए। पर जो हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पे इतने ज़्यादा ड्रोन्स की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट हमेशा बॉर्डर पर रहता है, तो ड्रोन्स इतने ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं आने वाले हैं। एयर डिफेंस सिस्टम हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम ये जो अमेरिका से आने वाले महंगे ड्रोन हैं उनमें खर्च करने के बजाय अगर एयर डिफेंस सिस्टम पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो उनका जो ड्रोन डिप्लॉयमेंट है, जो हमारे दुश्मनों का ड्रोन डिप्लॉयमेंट है, उसको खारिज किया जा सकता है, उसको निस्तनाबूद किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें ज़्यादा सबमरीन पे खर्च करना चाहिए और ज़्यादा हमें एयर डिफेंस सिस्टम पे खर्च करना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि अमेरिका साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा था और दो कैरियर अपने डिप्लॉय किए थे। इसके अलावा उसमें वहाँ पर वॉरशिप भी अपनी डिप्लॉय की थी, और जिसका यह उद्देश्य था कि जो अगर समंदर में उनको लड़ना पड़े तो वो किस प्रकार से लड़ सकते हैं। तो चाइना इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका ये कहना है कि जो अमेरिका इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है साउथ चाइना सी में वो बहुत ही गलत है और इससे इनस्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और जो क्या चाइना वहाँ पे कर रहा है वो सही है उस पूरे साउथ चाइना सी को, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जहाज इधर से उधर जाते हैं, माल ढुलाई के लिए जाते हैं, तो वो चाहता है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पे खुद ही कब्जा कर लिया जाए, जो कि चाइना का भी करना सही नहीं है। वहाँ के आसपास के देशों का भी इस पर अधिकार है, पर चाइना अपना एकाधिकार मानता है, इसलिए अमेरिका उसके एकाधिकार को तोड़ने के लिए अक्सर साउथ चाइना सी में डिप्लॉयमेंट करता है और हमेशा चीन को वहां पर जाके परेशान करता है। इस डिप्लॉयमेंट को भारत का साथ की तरह भी देखा जा रहा था और यह चाइना पे एक दबाव जरूर बनाता है। जब उनके साथ बातचीत पे टेबल पे जाते हैं तो यह चीज एक बार दबाव जरूर बनाती है चीन पर। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं को वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मतलब कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।